नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम जी मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज। न्यूज देखने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज अपडेट हमेशा मिलता रहे। आइए देखते हैं मुंबई मलाड से हमारे सहयोगी अशोक गुर्जर की एक खास रिपोर्ट। स्टार मीडिया न्यूज की टीम जिस तरीके हर इलाके का दौरा कर रही है और करते आ रही है, जनता की राय लेते आ रही है, मुद्दा जनता का। आज स्टार मीडिया न्यूज की टीम पहुंची है अंबुजवाड़ी में, वार्ड क्रमांक 49। यहाँ की स्थानिक नगर सेविका संगीता सुतारे क्या कुछ उन्होंने सेवा दी है, जानते हैं जनता से। राम कुमारी, जैतुल, मेरा नाम गुरु यादव, दीपा पंडित, मकसूद आलम देवी, रामभा भारती, मेरा नाम जानकी। उपमा देवी जी, आपको लॉकडाउन के तहत जन प्रतिनिधि की ओर से क्या सेवा मिली है? खिचड़ी कौन देते थे? ये और कोई अनाज वगैरह? अनाज तो आप कैसे घर चल पा रहा है? जैसे चल रहा, राशन नहीं, कहीं से नहीं मिला, खिचड़ी मिलता था। अच्छा, ठीक है। तो राज्य सरकार से आप क्या मांग करना चाहोगे? अब क्या हमारे, जब नहीं मिला तब क्या कहूँगी। यहाँ अपना खिचड़ी मिलती थी, राशन भी जो थोड़ा बहुत मिलता था, ये सब व्यवस्था। कौन दे रहे थे? रमेश भाई। और क्या क्या दिए रमेश भाई ने? अरे उसमें चावल था, दाल थी, आटा था, तेल है, शक्कर है, मसाला है, चाय पत्ती है, ये सब मिला। तो बोल तो रही, और कैसा? हाँ, बोलूं? क्या सेवा? कोई नहीं आता यहाँ पे मरने के लिए। हाँ। क्या पूछने के लिए कौन मर रहा है, क्या कौन जी रहा है? तो यहाँ पर कोई ना कोई राशन के लिए आता, आज तक कोई आया 3 महीने में राशन के लिए? क्या क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत नहीं है? हाँ मर जाएंगे तो सब आ जाएंगे। कैसा मर गया, कैसा क्या हुआ, फिर बोल देंगे लास्ट में कोरोना हो गया। एक बार वही जानकी भाभी रमेश भाई कौन कौन जानकी भाभी रमेश भाई की से राशन। और कोई और सैनिटाइजिंग इधर हुआ एरिया में? एक बार कोई से नहीं मिला। तो आपका घर कैसे चल पाया? घर राशन कार्ड पर मिला, वही से चल पाया। और कोई पार्टी के लोग कोई देने आए थे? नहीं, कोई नहीं दिया, खाली चावल मिल रहा है। चावल खाली उबाल के हम लोग खाऊं, उस पर दाल नमक लगता है कि नहीं लगता है? अनीता जी, ये बताइए कि यहाँ की जन प्रतिनिधि है, उसने कुछ सेवा दी है आपको? हाँ, किसने दी है? रमेश, क्या रमेश दादा ने दी है। रमेश दादा ने दी। और यहाँ की नगर सेविका ने कुछ किया आपके लिए? हाँ किया है, जो जो ला के दिए उनका तो नाम नहीं मालूम है, मगर सब ने दिया है इधर हमारे को। क्या राशन सब मिला हम लोग को? किसकी ओर से मिला ये? ये रमेश जी के यहाँ से भी मिला, और जन ने भी दिए, उन लोग ने भी दिए, तो हम लोग ने खाए पिए और जो भी है अभी हमें उसमें बोलती। और यहाँ पर सैनिटाइजिंग वगैरह हुआ है? वो तो उसमें मेरे को उतना कुछ मालूम नहीं है, तो जितना मेरे को मालूम था मैंने उतना बता दिया। कुछ भी नहीं मिला, ये खाली बस जानकी सिंह ने राशन दी, बाकी बस और कुछ नहीं। किसकी तरफ से आया राशन? रमेश सिंह। और कोई सैनिटाइजिंग वगैरह हुआ है? कुछ नहीं, कोई मास्क वगैरह? कोई नहीं, कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ की नगर सेविका आई थी आपका हालचाल जानने? कोई नहीं आया था कुछ हालचाल पूछने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, वोटिंग के समय कितनी बार आते हैं? वोटिंग के बाद तो सब कोई मांगने आता है, देने के लिए तो कोई भी नहीं आता है इधर। मांगने के लिए तो सब कोई चले आता है, कि बस जब काम धाम नहीं चला तो कोई पूछने नहीं आता है। नंदा जी, ये बताइए कि लॉकडाउन के तहत कितना आपको सेवा मिली है नगर सेविका और आमदार से? कुछ नहीं मिला, इधर हम लोग भूखा मरता है। एक तो कमाई नहीं, धंधा नहीं है, सब घर पे बहुत तकलीफ होता है, राशन पानी नहीं, कुछ मिला नहीं आज तक हम लोग को ऐसा। तो कैसे चल पाया आपका घर? कैसे चलेगा, पहला का थोड़ा बहुत था वही खाता है। किसी ने कुछ नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया। आपके हाल चाल पूछने भी आए? कुछ नहीं आया नगर सेविका या कोई नहीं आया। यहाँ पे लोग सेवा की लोक सेवा में ये जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं हमें पैसा, कोई वो नहीं पहुँचा रहा है। ये हाँ, ये जो हमारे छोटे बड़े लोग हैं, अल्लाह ने उनको दिया है, वही लोग हम यहाँ तक पहुँचाते हैं।
तो यहाँ पर जो देखा जाए तो इतना पानी भरा हुआ किस तरीके से आप चल के आते हैं? यहाँ पे पानी भरा हुआ क्या है, पानी इससे ज़्यादा भरा रहता था। जब 2004 में ये टूट गया था तो कोई नज़र नहीं आ रहा था, और 2004 में हमारी मेघा पाटकर ने यहाँ पे बसाई और बस के हम लोगों किए। हमने इस रोड को जो बनाए हैं, इस रोड को बनाने के पक्ष में नहीं थे, हमारा गड्ढा बनाना पहले जरूरी था, ये तो कमाने के लिए बना दिए हैं। अच्छा चाचा, ये हाथ आपने ऐसे रखा, क्या बात तकलीफ हुई है? ये तकलीफ हमारी हुई है। क्या तकलीफ हुई है? ये हम जब आंदोलन कर रहे थे, हमारे ऊपर वाले के कर्म से ये हो गया। ऐसे तो कोई विशेष सेवा नहीं दी उन्होंने, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोग अपना घर छोड़ छोड़ के गांव जा रहे हैं, गांव जाने की भी सुविधा लोगों को बराबर मिली नहीं है, और मतलब बहुत ज़्यादा ही लोग परेशान हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका 3 महीने तक लॉकडाउन के तहत घर कैसे चल पाया, किसी ने और NGO या किसी ने संस्था ने कोई सेवा दी? हाँ, यहाँ पे रमेश सिंह ठाकुर की तरफ से हम लोग को राशन मुहैया कराया गया, IDF फाउंडेशन की तरफ से कराया गया, और विनोद शेलार है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे ही बाकी नेताओं से हमको यहाँ पे राशन मिला है। अरे बहुत सेवा मिलल है हम लोग के, खिचड़ी मिलत रही है, राशन भी मिलत रहा है, और राशन में सब सामान रहा, दाल चावल आटा सत्तर चाय पत्ती। कौन दिए हैं ये? रमेश भाई की तरफ से मिलल है। अभी आप ये क्या कर रहे हैं? अब अमन का माल सब बनाती हो, माल बंद हो गई लाल है, अब चालू होता है धीरे धीरे। और सैनिटाइजिंग वगैरह हुआ है? सैनिटाइजिंग वगैरह तो हमारी बस्ती में हुआ नहीं है ज़्यादा, कहीं एक आध गली में करके वो बताते हैं, पूरी बस्ती में किया है, पूरी बस्ती में अभी तक सैनिटाइज हुआ नहीं। तो यहाँ के आमदार या नगर सेविका की ओर से क्या सैनिटाइज? आमदार और नगर सेवक की तरफ से कोई विशेष सेवा पब्लिक को मिली नहीं है, और कहीं पर भी कोई सुविधा मिली नहीं हम लोग को यहाँ पर। तो आपका घर कैसे चल पाया? घर चल रहा है हम लोग का। हमारे देखने में तो हमारी सोसाइटी में अभी तक कोई सेवा नहीं की, कोई भी नहीं, ना सैनिटाइज, ना मास्क, ना राशन पानी का इंतजाम, कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ हुआ है, जैसे कोई भी समाज का सेवा करने वाले लोग हैं, कुछ संस्थाएं हैं, कुछ खाना बांट रहे हैं आके घर घर, और जैसे गोपाल सेठी साहब का किट बटा, और विनोद सेलार जी का किट बटा है, और सतनाम तिवाना के यहाँ से भी कुछ किट आया था, उन्होंने भी बांटा, और यहाँ पर हमारे स्थानीय जो नगर सेवक हैं उन्होंने तो आज तक ना हमारी खोज ली ना खबर ली, कुछ भी नहीं। और किसकी ओर से कहीं कुछ आया है अनाज वितरण? नहीं, और किसी की दर से नहीं है, बाकी कोई और लंबे की सोसाइटियों में आती होगी तो पता नहीं, हमारे सोसाइटी में किसी को नहीं आई है अभी। और रमेश सिंह के यहाँ से हमको पूरी मदद मिली है, जब भी हम वहाँ पर जाते हैं कि हमें इतने लोगों के घर में तकलीफ है, और जो लिस्ट जाता है उनको कि भाई इनके घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनको भेजते हैं। कहाँ जाते हैं? रमेश सिंह के ऑफिस में। अच्छा, कोई दवा वगैरह यहाँ दी गई है? नहीं नहीं, दवा नहीं। दवा मिला है। और क्या कहना चाहोगे अब सरकार से? अब का कहल जाए, अभी तो काम धाम आदमी लोग के चलते नहीं है, तब कैसे हम लोग खाई जाए? थोड़ा सामने देख के बोलिए जी। तो अब घर कैसे चल पा रहा है सामने देख के बोलिए? अब कब काम मिलता, कब नहीं मिलती है, अपन वहीं में भाई कैसे मोजर कर जाता है। वहाँ से राशन का पूरी मदद मिली, और भी कोई मदद मांगेंगे तो मिलती है, पर अभी हम लोगों ने लिया नहीं है, और हम अभी लिस्ट तैयार किए हैं, कुछ लोगों को नहीं मिला है, तो उससे कुछ लोग नाराज हैं, तो मैं सोचती हूँ वहाँ से किट ला करके उनको भी कुछ, उनको भी आर्थिक परिस्थिति खराब है इस वक्त, और इस वक्त तो हर इंसान का आर्थिक परिस्थिति खराब है, क्योंकि जो कमाने वाला है वो भी घर में बैठा है, जो नहीं कमाने वाला वो भी बैठा है। सैनिटाइजिंग हुआ ही सर जी? मैंने करवाया, विनोद सेलार जी ने मेरे के लिए सैनिटाइज भिजवाया था, तो मैंने अपने जितनी जहाँ तक सैनिटाइज हो सका मैंने करवाया। और कोई मास्क वगैरह बांटे हुए? नहीं, मास्क नहीं। सैनिटाइजर आपके घर के लिए, साबुन? नहीं नहीं, किसी ने भी नहीं, किसी ने नहीं दी। तो आपकी हाल चाल पूछने आमदार जी या नगर सेविका? कोई नहीं, कोई नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं आया। हम लोगों से जितना होता है हम लोग जनता के यहाँ जाते हैं भाई, जो अपने से दुख सुख बटेगा हम लोग बांट रहे हैं। हमारे BJP के कार्यकर्ता जो भी लगे हुए हैं वो लोग आते हैं, हालचाल पूछते हैं, बोलते हैं हम लोग उनको कि भाई ये काम है, ये इनके घर नहीं है, तकलीफ है, तो वो मदद वो लोग कर रहे हैं।
स्टार मीडिया की न्यूज़ ने जायजा लिया मालवनी के अम्बुजवाड़ी का। जिस तरीके से अब ये जायजे के अंदर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पूरी हमारे देश में महामारी की तो हमारा लगातार पीछा करी रही है। अब वहीं पर देखिए यहाँ पर ये अम्बुजवाड़ी के हालात, मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा इस तरीके से ये पानी का जमावड़ा और ये दलदल बन चुका है और लोग जा रहे हैं बच बचा कर, बचते हुए जा रहे हैं इस दलदल से, ताकि अब ये महामारी तो हमारा पीछा करी रही है, अब वहीं पर ये कौन सी बीमारी लाएगी। और देखने वाली बात ये भी होगी कि अब राज्य सरकार कब जागेगी और यहाँ के जनप्रतिनिधि कितना काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और अम्बुजवाड़ी की जनता की आवाज़ भी आपने सुनी उन्हीं की जुबानी। कैमरा पर्सन हबीब शेख के साथ मैं अशोक गुज्जर, स्टार मीडिया न्यूज़, मुंबई।